तो आज हम आ गए फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं आगरा घूमने, तो आज आगरा की ब्लॉग आएगी आपके पास, देखिएगा। और आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, आज मेरे साथ तीन फ्रेंड और जा रहे हैं, तो चलो मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। विक्रम जो पिछले वीडियो में मिला था, हाय फ्रेंड्स। राहुल और एक और नया फ्रेंड्स आ गया है, नाम बताओ भाई। शंकर नाम है मेरा, शंकर भाई हमारे। और हम जा रहे हैं हमारी बाइक पे, तो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना प्लीज। HF डिलक्स और ये है अपना मिस्टर हीरो, ये अपना मिस्टर हीरो देख लो। तो चलो फिर मैं आपको बाइक पे मिलता हूँ, तो चलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। तो आ गए अपने बाइक पे, ये चाबी ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट की। ये विक्रम और शंकर, राहुल मेरे बाइक पे बैठा है, चले बस वो। तो हमारी सफर स्टार्ट हो गई है, हर हर महादेव, बम बोले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपना रूट प्लान क्या है। अपना रूट प्लान है, सबसे पहले हम जाएंगे दौसा, दौसा से महुआ। महुआ में हमारा भाई एक दोस्त रहता है हितेश भाई, हितेश देख रहा वीडियो देख रहा हो तो लाइक कर देना भाई। और महुआ से फिर जाएंगे भरतपुर, भरतपुर से फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी से फिर तो आगरा ही है। तो यही अपना रूट प्लान है। वैसे ये बता दूं मैं आपको कि ये मेरा पहला लॉन्ग राइड होगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस लॉन्ग राइड के लिए। यदि आपने मेरा जयपुर की रोशनी वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत मैंने कवर किया था, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो रखी थी, ये जो आप हल्की हल्की वैसे सजावटें दिख रही होगी आपको, तो ये उसी का ही है। तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रोशनी हो रखी थी, और दिन में तो कुछ अलग ही माहौल है इधर का, रात का माहौल तो कुछ और अलग ही लग रहा था, दिन का माहौल तो कुछ और ही दिख रही है। लग ही नहीं रहा है कि वही वाला पार्ट मैं दोबारा देख रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया था उस पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट अंडरपास ग्राउंड सिसोदिया रानी बाग की ओर। उसके बाद हम जयपुर से बाहर हो जाएंगे, कुछ देर में जयपुर से बाहर निकलने वाले हैं। ये फर्स्ट अंडरग्राउंड पास था हमारा, हमने जो पास कर लिया। फिलहाल अभी हम जयपुर में ही हैं, अभी कुछ देर में बस निकल जाएंगे जयपुर से बाहर। अलग ही एक्सपीरियंस है भाई साहब, अलग ही एक्सपीरियंस है यार लॉन्ग राइड का, तो अलग ही। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग राइड रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपन कम से कम बजट में किसी लॉन्ग रूट पे जा सके। अब हम आ गए हाईवे पे, ये हाईवे है बयाना जयपुर हाईवे, और इसमें लिखा हुआ है आगरा 230 किलोमीटर, 248। तो हम 200 होते हुए जाएंगे, यही है बयाना जयपुर हाईवे देखने को मिलता है। फाइनली हम आज के अपने फर्स्ट टोल पे, ये हमारे जर्नी का पहला टोल है, तो काफ़ी तो मज़ा लगी पड़ी है। ये देखो कितनी लाइन लगी पड़ी है, भीड़ लगी हुई है, और थैंक गॉड कि हमें टोल नहीं देना होता है, नहीं तो इधर ही कहीं लाइन में हम भी लगे होते आज।
फाइनली हम डोसा आ चुके हैं। वेलकम टू डोसा। चलते चलते यार थक गए थे यार, थोड़ी चाय हो जाए, इसीलिए एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। ये हमारे सारे सब लोग चाहते हैं। हाँ तो हम आ चुके हैं फिर से अपने बाइक पे। हमने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था और फिर आगरा 119 किलोमीटर और भरतपुर 65 किलोमीटर, तो हमको भरतपुर होते हुए जाना है। चलते चलते हम बहुत दूर आ चुके हैं और अब ये